Sorry, kittens, only on Parkviz. भाई क्या कर रहे हो? बन गई क्या? बन गई लिमो बन गई। और क्या बन गई? ये मेहरान को हमने लिमोजीन बना दिया। हाँ ना, ये कब ली आपने? ये ली नहीं है, बनाई है मैंने खींच के। खींच के कैसे बन गई? खींच के अभी आपके सामने खींच नहीं रहा था मैं, पिछली जो मैं रात से खींच रहा था आज जाके बनी है। तो ये तो जबरदस्त गाड़ी लग रही है। हाँ। ये तो फुल लग्जूरियस, बहुत जबरदस्त चीज है। मैं आपको चेक कराता हूँ पूरी की पूरी गाड़ी। आए सामने से। अच्छा, असल में मैं जो हूँ ना, सोच रहा था कि शादी कर लूँ, तो शादी के बाद मैंने सोचा कि मेरे पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, कि बच्चे बुच्चे होंगे, बीवी होगी, तो लोगों ने हमने कहीं जाना होगा तो एंजॉय करके जाएंगे। तो अब ये गाड़ी होगी, इसके अंदर फुल एंजॉय करेंगे, यहाँ पे बैठ के मैं चाय पिया करूँगा, इधर बच्चे खेला करेंगे, इस जगह के ऊपर मैं सोच रहा हूँ पूल बना लूँ। उसी जगह बच्चे खेलेंगे और उसी जगह पूल बना दो? नहीं, बच्चे उधर खेलेंगे, इधर पूल बनेगा। और उधर आप यहाँ लॉन बना दो। नहीं, लॉन की जगह, वैसे फिर मजाक कर रहे हैं मेरे साथ यार, ऐसे तो नहीं ना, लॉन पीछे होगा। अच्छा, डिग्गी में बनाओगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये मतलब पुरानी गाड़ी लेके आपने इसको बनाया है? यार खींच के बनाया है, आप मान ही नहीं रहे मेरी बात। बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये 2003 की ब्रांड न्यू मेहरान है ये। ब्रांड न्यू कैसे? थोड़ी छोटी है आपसे यार। मेहरान साहब फनी हो गए आप, माइलेज देखें गाड़ी की। 14,000 किलोमीटर के लिए? हाँ जी। अभी मैं आपको पीछे करवाया है यार, आप मीटर नहीं पीछे कराया, मैं आपको इंजन चेक कराता हूँ गाड़ी का। यार ये तो वाकई ब्रांड न्यू लग रही है। आप कोई देखें, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं है कहीं पे इंजन के अंदर, कहीं पे रस्ट वगैरह, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है ये। ये ढूंढी कैसे आपने? खेच के बनाई है यार। नहीं लेकिन ये इतनी नई गाड़ी, छोड़े परे उसे, मैं आपको गाड़ी इंजन की नॉइस चेक कराता हूँ। साउंडलेस इंजन, इतना कभी इंजन चेक किया आपने? हाँ, वैसे साउंड तो बड़ा फिट है, लेकिन ये वाइब्रेशन पे लगी हुई है गाड़ी। थोड़ी पुरानी के अंदर कुछ तो मार्जिन देना बेचारी मेरी महरू हो। नहीं है वैसे अच्छी जबरदस्त, मुझे जरा राइड तो कराओ इसकी। आए फरहान साहब, आ जाए आ जाए लेटे। यार ये तो फुल अपना लेटने वाला माहौल है इधर तो, बाकी रेडी है? जी जी रेडी है, रेडी है। चलें जी। आप सीट बेल्ट तो लगाओ यार। ये सीट बेल्ट ना इसकी ऐसी होती है, दुपट्टे की तरह लेनी पड़ती है बस, इधर लेके ना इसको बस इधर अड़ा देते हैं, ठीक है, ये बार बार निकल जाती है। इसमें भी ये एसी जो है ये अपना दरवाजे में होता है? नहीं नहीं, इसमें छत में दिया हुआ है। छत में? हाँ जी हाँ जी। यार मैं इंस्टाग्राम पे अपना जरा लगाऊँ यार, ये तो बड़ा जबरदस्त गाड़ी है। अच्छा, ये छत में तो मुझे सनरूफ नजर आ रही है। हाँ जी हाँ जी, बड़ी बेहतरीन है। लेकिन इसमें नजर कुछ नहीं आ रहा। ऐनक उतार के देखे ना। ऐनक उतार के भी नहीं वही नजर आ रहा, कुछ नहीं है। तो और क्या आपको क्या दे दें मेहरान के अंदर है? अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाए, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। आसमान नहीं नजर आ रहा, आपकी सीटें ही नजर आ रही हैं वापस रिफ्लेक्स। ये शीशा नीचे करके गर्दन बाहर निकाल के देख। अच्छा यार ये वैसे जिले यार, ये गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, तो मतलब मैं भी, मेरा भी दिल बन गया है। अगर किसी और ने लिमोजीन बनानी हो तो ऐसे खींच खींच के बनाए और कैसे मतलब ले सकता है? देखें, खींचने वाला टैलेंट ना वो मेरे पास ही है, वो मैं ही खींच के बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप भी मतलब लेना चाह रहे हैं ये वाली, तो यूज्ड कार के अंदर ना इसका हम डिस्क्रिप्शन के अंदर या पॉपअप बैनर के अंदर ना यहाँ पे लिंक लगा देंगे, तो आप वहाँ से जाके ले लेना। मेहरान लिमोजीन, मेहरान लिमोजीन। यार ये नया वेरियंट है, ये मेरे ख्याल से सुजुकी को बनाने देना चाहिए इसको, अब दोबारा से रीबर्थ, मेहरान रीबर्थ हो जाए। देखें ना पाकिस्तान के अंदर, आप देखें पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज बड़ी हो रही हैं, सारी 7-सीटर गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर आए जा रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से इससे अच्छी गाड़ी और क्या होगी जो सबकी फेवरेट। और अब देखें यू टर्न के ऊपर मुझे इसका, यार ये तो बस लग रहा है जैसे मैं कोस्टर में बैठा हुआ। चलाऊं तेज? चलाओ, टूट ना जाए भाई दरमियान से। यार फरहान साहब ये इतनी फ्रेश गाड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में, मतलब बिल्कुल ये क्लच, इसका ये रेस रूस भाई 15,000 चली हुई गाड़ी तो ऐसी है, मतलब ये जेन्युइन गाड़ी, 14-15 जेन्युइन गाड़ी ये चली हुई है इतनी, गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह सारा कुछ ना। और सीरियस बताऊं, चलाते हुए फील नहीं हो रही लंबी है,
अच्छा, सिर्फ मोड़ के ऊपर, और जब ब्रेक मारते हैं ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना जरा जोर ले रही है गाड़ी, मतलब ये ऐसे नहीं लग रहा कि अंडर पावर है इस टाइम जाते हैं, बिल्कुल अंडर पावर नहीं है। जैसे अब ये देखें, मैं ये इसको रेस देता हूँ, बिल्कुल सही जा रही है, पल्स आ गई, पल्स ने क्यों उनको रोके? नहीं नहीं, ये तो बदमाशी कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस भी हमारी चेक हो जाएगी, ये काम ग्राउंड क्लियरेंस चेक करते हैं। अजीब सा लग रहा है गाड़ी, वरना दोनों टायर चढ़ते हैं ना इसके ऊपर, सिर्फ वो एक चढ़ के खत्म हो गया। नहीं, जबरदस्त गाड़ी है यार, बहुत अच्छी गाड़ी है पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सस्ते में जो लिमोजीन है वो ये बेहतरीन है। ये आपको कितने की पड़ी गाड़ी वैसे? वैसे ये 7 लाख रुपए की है ये गाड़ी इस टाइम। अच्छा, और मेरे ख्याल से अगर इतनी अच्छी कंडीशन के ना 2003 की वैसे भी जेन्युइन गाड़ी हो ना, जितनी ज्यादा ये साफ सुथरी है, तो उस गाड़ी के लोग वैसे भी 4.5-5 लाख रुपए लोग मांग लेंगे। मुझे तो लगता है 7 लाख में ही बिक जाएगी आराम से। मैं कह रहा हूँ, अगर ये जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल नई मैरान हो इस वक्त, हाँ, और VX मॉडल हो, 15,000 चली, तो 15,000 चली हुई 2020 मॉडल, हाँ, वो 10 लाख की होगी आराम से। तो व्यूअर्स हमें फीडबैक दें कि आपको ये किस तरह का कंटेंट लग रहा है, हम इस तरह की एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, नई नई राइड्स की और डिफरेंट किस्म की जो राइड्स हैं उनकी वीडियोस लेके आएंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब तो आप लोगों को पता ही है करना है, उसके बटन को जाके आपने ना ऐसे बस दबा देना और सब्सक्राइब कर दें प्लीज। बस आज दिल्ले खुश है, आज रो रहा नहीं है, तो आपने सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, अल्लाह हाफिज़।